बेंगलुरु में मस्जिद के करीब पूजा की जा रही है। जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर हिंदू संगठन कैसे आज पूजा का आयोजन कर रहे हैं। तो बेंगलुरु की यह खबर है जहां पर एक मस्जिद की मरम्मत के दौरान हिंदू ढांचा मिलने का दावा किया गया है, मंदिर का ढांचा मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसे मुद्दा बनाया। आज यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए बाकायदा पुरोहित बुलाए गए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ही ये पूजा अर्चना की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेंगलुरु की ये तस्वीर, मस्जिद के करीब पूजा हो रही है, हिंदू संगठनों ने इस पूजा का आयोजन किया है। मस्जिद में हिंदू ढांचा मिलने का दावा किया गया, मस्जिद पुनर्निर्माण के बाद ये ढांचा मिला और इस पूजा को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। कभी कभी सानिध्य के क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है तो सानिध्य के क्षेत्र का भगवान का कुछ पता लगाना है तो वो तांबुल प्रश्न रखते हैं। तांबुल प्रश्न से पहले अष्टमंगल प्रश्न रखते हैं, उसके पहले तांबुल प्रश्न रख के उसमें क्या कुछ गड़बड़ है, हम लोग अष्टमंगल प्रश्न रखने का है नहीं रखने का है पूछने के लिए, और सानिध्य में कौन सा भगवान का क्षेत्र था वो इतिहास जानने के लिए तांबुल प्रश्न रखते हैं। अभी तो दैवज्ञ गोपाल कृष्ण पनिकर आया है, अभी थोड़ा तो धार्मिक विधि विधान चलेगा, बाद में पता लगेगा कि वो प्रश्न में कौन सा भगवान का सानिध्य था। इधर तो धार्मिक भावनाओं पर हमारे भरोसा है, हम इतना भरोसा है कि इतना पूर्वज भी वैसा ही करके आया है अभी तक, तो वैसा ही वही रूट पे हम लोग जा रहे हैं और क्षेत्र का सानिध्य पता लगाने के लिए, तो वही हमारे लिए रूट है।